And I love Desi Girls, you know, I love Desi Girls. I have a lot of respect for Desi Girls. I was just joking, Tiwari Ji. Actually, आपने ये परफ्यूम लगा रखा है क्या? एक्चुअली हमारे क्लाइंट है वो दुबई से ये परफ्यूम लेके आए हैं. एक मिनट लाइए, आपको भी थोड़ा लगा देते हैं. ये दीजिए. पर ये तो लेडीज परफ्यूम है तिवारी जी. हेलो भैया लो, क्या बात है, आए हाय लेडीज परफ्यूम. कल सुबह सूंघूंगा, आई लाइक इट. ये क्या खास है, सुबह सूंघूंगा? सुबह क्यों? Oh, I got it. Morning. Got it. अंगूरी जी याद है ना कलावती शर्मा ने क्या कहा? अपने पतियों को शक की निगाहों से देखना है, शक की निगाहों से. नहीं नहीं, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लड्डू के भैया को लेकर बहुत जज्बाती हो जाती हैं. आपको इस बार अपने जज्बातों को सूटकेस में बंद करके रखना है. भाई किसको सूटकेस में बंद करवा के रख रहे हो भाई? क्या हुआ यार? Everything is okay? इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हो? इतनी रात गए? सिर्फ 11:30 बजे हैं यार. 11:30 बजे को तुम रात नहीं कहोगे? हाँ यार रात है, मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो अक्सर 11:30 बजे के बाद ही आता हूँ और तुम कभी मुझे इस तरह के सवाल नहीं करती हो. Exactly. मैं सवाल नहीं करती इसलिए तुम्हारे हौसले बुलंद हो गए हैं. पहले तो तुम कभी महीने में एक आध बार लेट आते थे, आजकल तुम रेगुलरली रोज लेट आते हो रात में. Excuse me. वीक में मैं एक आध बार ही लेट आता हूँ बस. ठीक है, एक आध बार ही सही, लेकिन कहाँ से आ रहे हो? और तिवारी जी अलग तरह. चल ये तुम्हारा तो परफ्यूम नहीं है, ये किसी लेडीज का परफ्यूम है ना. तिवारी जी का एक क्लाइंट उनको दे गया था तो उन्होंने मुझे प्यार में लगा दिया. प्लीज तिवारी जी, इस तरह का परफ्यूम नहीं लगाते. उनके पास अक्सर चमेली की तेल की बदबू सी आती रहती है. Great. लेकिन इस बार उनका क्लाइंट उनको ये परफ्यूम दे गया था तो उन्होंने मुझे लगा दिया. अरे तुम मुझे सीबीआई की तरह इन्वेस्टिगेट क्यों कर रही हो? फॉर गॉड सेक्स यार. ओह गॉड. आई गॉट इट. तुम गई थी ना उस खसमानु खानी, उस कलावती शर्मा के पास. Pain in the ass. What? Neck, यार. देखो, कलापति शर्मा के बारे में कोई उल्टी सीधी बात मत कहना तुम. कहूंगा, बार बार कहूंगा, क्यों नहीं कहूंगा? वो चुड़ैल है चुड़ैल. जब भी तुम उसके पास जाती हो, उसके पास से लौट के आती हो तो तुम्हारा दिमाग फिरा हुआ होता है. I'm sorry to say, but yes, this is the reality. दिमाग फिरा हुआ नहीं होता, दिमाग दुरुस्त हो जाता है. दिमाग की बत्तियां जल जाती है. वो हम जैसी मासूम सीधी साधी भोली भाली नादान औरतों की आंखों के सामने जो खुशफहमी का पर्दा होता है उसे हटाती है ताकि हमको सब कुछ साफ दिखने लग जाए. How melodramatic. ये नादान मासूम ये जो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, अगर आपने ये वर्ड्स अपने लिए इस्तेमाल किए हैं तो मेरा रिएक्शन उनके लिए ये है. What did you do? Ha! How dare you? Yeah. I'll show you. Ah.
like this. मेरी शक की निगाहें अब तुम्हारा पीछा करेंगी विभू. I'm watching you. Boo! All right. I think I can sleep peacefully now. You can smell this area. लेकिन कलावती जी, हमरे पति तो हमको ऐसे डांट टपट के चुप करा देते हैं. ये बदतमीजी करते हैं आप. ये तो बदतमीजी करते हैं आप. कमाल की बात कर रहे हैं. बदतमीजी करते हैं. ये भी एक तरीका है मर्दों का अपना पाप छुपाने का. वो लोग अपनी बात मनवाने के लिए हम पर हावी होने की कोशिश करते हैं. इस कलावती शर्मा का ना एक दिन मैं खून कर दूंगा. बाय गॉड, बस तभी मैं इतने चाकू मारूंगा. उस वक्त उन्हें वही दबा देना चाहिए. उससे मर्द कमजोर पड़ जाता है. उसके बाद वो हम पर कभी हावी नहीं हो सकता. उसे हावी होने देना ही नहीं चाहिए. लेकिन अभी ये जो इत्र की खुशबू आ रही है, इसका क्या करें? चलिए कुछ जुगाड़ करते हैं. अच्छा कलावती शर्मा जी, ये बताइए कि आपको पक्का यकीन है कि हमारे पतियों का बदनाम गलियों में आना जाना है? हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. इसको देख रही हो? ये तो आपके पति है ना? ये मेरा पति एक नंबर का अय्याश था. रोज रात को देर देर तक घर से बाहर रहता था और पूछने पर अलग अलग बहाने देता था और आते ही मुझ पर हावी होने की कोशिश करता था. अब देखो, इसके हलक से आवाज नहीं निकलती. वाओ, कलावती शर्मा जी, आपने कैसे किया? मैंने एक प्लान बनाया इसको रंगे हाथों पकड़ने का. 16 बार रंगे हाथों पकड़ा इसको, तब जाके इसको ऐसा सांप सूंघा कि इसका मुंह नहीं खुलता. बस 3 बार खुलता है, वो भी खाने के लिए. अब मुंह क्या देख रहे हो? बोला था खिलाने. हाँ ये तिवारी जी, तालाब में नहा लेते हैं. चलिए आइए. बदबू जाएगी इसी तरह की. अजीब सी बदबू आ रही है इसमें. तो कुछ ज्यादा ही है. ये प्रेम चौधरी क्या कर रहा है? ये तो पूजा पाठ कर रहा है भूति जी. अगर ये पूजा कर रहा तो ये प्रेम चौधरी नहीं, क्योंकि प्रेम चौधरी पूजा नहीं करता बल्कि पूजा बार में जाता है. अबे ओ विभूति, ये क्या बकवास कर रहा है बे? ये तो कह रहा हूँ बे. ये अचानक पूजा पाठ में काय उतर आए? हाँ, ये सब बाबा कोमलनाथ की कृपा है. हाँ. ये बाबा कोमलनाथ कौन है बे? हाँ, ये बाबा कोमलनाथ बहुत बड़े चमत्कारी है. ऐसा क्या चमत्कार कर दिया इस बाबा ने? अबे अच्छा बनियान, पहले मेरी बीवी है ना मुझ पे शक करती थी. जब से बाबा कोमलनाथ के दिए हुए उपाय मैंने किए, तब से मेरी बीवी मुझ पर बिल्कुल शक नहीं करती है. ऐसा हो नहीं सकता. तुम्हें सबूत चाहिए इसका? हाँ बिल्कुल, सबूत चाहिए, दीजिए. थोड़ा रुक, अभी दिखाता हूँ तुझे. हेलो जानू, कहाँ हो तुम? डार्लिंग, इस वक्त मैं अपनी गुल्लू के बाव में लेटा हुआ हूँ. तुम्हें कोई एतराज? अब अगर ऊपर से भगवान भी आकर मुझसे कहेंगे ना कि तुम्हारा पति किसी दूसरी औरत के साथ में मस्ती कर रहा है, तो भी मैं उन पर विश्वास नहीं करूंगी. और हाँ, तुम पर कभी शक भी नहीं करूंगी. और अगर सच में तुम गुल्लों की बाह में होगे ना, तो भी मैं तुम पर कभी शक नहीं करूंगी. थैंक यू मेरी जान. चमत्कार हो गया ये तो. तिवारी जी, चमत्कार हो गया ये तो वाकई. ये कौन है बाबा यार?
बता देना प्लीज। यहाँ से 120 किलोमीटर दूरी पे है बाबा का आश्रम, गंगापुर और गंगा घाट के बीच में एक जगह है जिसका नाम है रतुआ नागला। हाँ, वही बाबा का आश्रम है। और इतने बाबा हमारे मशहूर है कि किसी बच्चे को भी पूछोगे ना तो भी बाबा का पता बता देगा। थैंक्स प्रेम, मैं और तिवारी जी आ रहे हैं और तेरी स्कूटी ले जा रहे हैं। अबे ओ विभूति, स्कूटी में तेल नहीं है, हाँ डलवा लेंगे। आर यू मैड? ये क्या कर रहे हैं आप? हमारी बीवी को मालूम पड़ गया तो हमारी बैंड बजा देंगी वो। अब जब तुम्हारे पास कोई माल ही नहीं है तो यही सही, चलो लाओ वापस, मुझे दो। यही दो? अब तुम्हारे पास माल ही नहीं तो यही दो मुझे। यही क्या? फोन? नहीं फोन नहीं दूंगा, मैं फोन नहीं दूंगा आपको। देना पड़ेगा। नहीं फोन, आप कुछ और ले लीजिए। फोन नहीं, फोन। कुत्ते, चलिए भगवान का लाख लाख शुक्र है भभूति जी की, लौट के बुद्धू सही सलामत घर को आए। अरे क्या सही सलामत आए तिवारी जी, आप जानते हैं ना प्रेम को, उसे मालूम पड़ेगा उसकी बाइक चोरी हो गई है तो क्या नाटक करेगा आपको आइडिया ही नहीं है। अरे ठीक है ना, जो होगा सो देख लेंगे आप भी ना यार। और ऊपर से हमारी जो बीवियाँ भूखी शेरनियों की तरह बैठे हमारा वेट कर रही होंगी, उसका क्या? अरे हाँ यार, ये तो हम भूल ही गए थे, हम अपनी बीवियों को क्या जवाब देंगे कि किससे मिलने गए थे? कोई ऐसा नाम जहाँ तक ही पहुँच ना सके। यार देखो यार, हमारा दिमाग तो ब्लैंक हो रहा है, ऐसी खुराफात आप ही के दिमाग में आती है, आप ही जरा कुछ सुझाइए। ये नाम कैसा रहेगा? दुर्योधन? नहीं यार, ये हमारे मामा के लौंडे का नाम भी दुर्योधन ही है। क्या बात कर रहे हैं, लोगों ने इतना मनुष्य नाम भी नहीं छोड़ा। क्या है कि हमारे मामा को ना महाभारत देखने का बहुत शौक था, तो एक दिन जो दुर्योधन वध का सीन चल रहा था तो मामी की डिलीवरी हो गई, तो उन्हें लगा कि शायद दुर्योधन ही पैदा हुआ। तो बड़ी चिरहान फैमिली है वैसे, माफ कीजिएगा आप। एक नाम और आ रहा दिमाग में, घटोत्कच। आपको क्या लगता है कि हमारे मामा की तरह और सिर फिरे नहीं होंगे? घटोत्कच, मोइनुद्दीन डिमेलो, ये नाम कैसा है? ये किस टाइप का नाम है यार? ये ऐसा नाम है तिवारी जी कि इस पूरी दुनिया में दूसरा नाम नहीं होगा ऐसा। अच्छा, और चलिए ठीक है, पता क्या होगा? पता फ्लैट नंबर 420, बेचैन सोसाइटी, और अपना परेशान मोहल्ला, और हैरान रोड, और कानपुर 1111111 इतने सारे वन, दो कम कर लीजिए। चलिए आइए, ठीक है, सही है सही, चलिए आइए। हेलो अनु। हेलो भाभी जी। हेलो हेलो अनु, भाभी जी। हेलो हेलो पगली। तुम ऐसे क्यों घूर रही हो मैं? जैसे हम कोई चोरी चकारी करके आए। Come on. आपकी शक्ल पे जो 12 बजे उसको देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि आप दोनों कोई कांड करके आए। नहीं, हमने ऐसा कोई कांड नहीं किया, बल्कि हमारे साथ कांड हो गया। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, हमने कोई कांड वांड नहीं किया, बल्कि हम तो एक अपने बड़े कमीने दोस्त, आई मीन कॉमन फ्रेंड से मिलकर आ रहे हैं। तो का हम आपके उप हीरोइन को जानते हैं? नहीं, नो नो नो, नहीं तुम लोग नहीं जानते पगली। जब हमने आपको फोन किया था तो हमने एक लड़की की आवाज सुनी थी। हाँ, और एक ठो बात बता दे, हाँ वो लड़की का आवाज जो है हम बहुत ही साफ साफ सुने रहे। एक्चुअली हम लोग क्या रोड पे खड़े होकर बात कर रहे थे और बगल में एक कपल खड़ा था, यू नो। हाँ, वो आपस में कुछ कर रहे थे। का कर रहे थे? का कर रहे थे? आप बताइए ना, हमें तो शर्म आती है, आप बताइए। अच्छा, हम बेशर्म हैं? एक्चुअली क्या है कि भाभी जी वो लोग अपना रोमांस कर रहे थे लाउडली। हाय दिया।
भाभी likes loud romance. How lucky you are. जिस दोस्त से मिलने गए थे क्या नाम है उसका? घटोत्कच मोइनुद्दीन डिमेलो. इनाम है? इनाम नहीं, नाम. नाम है भाभी जी. हाँ वही बोल रहे हैं, ई नाम है ना जी. हाँ कितना अजीब नाम है, हमसे तो लिया बिना ही जाएगा नीता जी. तो भाभी जी मैं सिखाता हूँ आपको, देखिए क्या है. यहाँ क्लास नहीं हो रही है. कहाँ रहता है आपका दोस्त? फ्लैट नंबर 420 पिछैन सोसाइटी, परेशान मोहल्ला, हैरान रोड, कानपुर 1111111111. ये पता भी कितना अजीब है. अब जो है सो यही है पता. अगर यही पता है तो हम पता लगा लेंगे. बहुत ही मामला कुछ ज्यादा बिगड़ रहा है. इसमें तो कोई शक नहीं तिवारी जी, और बहुत जल्दी हमारी बीवी हमें तलाक भी देने वाली है. क्या मधुस टाइप की बातें कर रहे हैं यार आप? तलाक होगा आपका. तलाक होने से बड़ी खुशी होगी आपको? हमें किसी के तलाक होने से कोई खुशी नहीं होगी, बल्कि हम तो अपनी गृहस्थी को लेकर चिंतित हैं. और आप ये जो आपकी ये नकारात्मक सोच है ना, इसको त्याग के सकारात्मक सोचिए कि कैसे हम दोनों अपनी गृहस्थी को बचा सकते हैं. मेरे पास एक आइडिया है, मैंने एक फिल्म देखी थी. क्या आइडिया? ये है कि मैं भाभी जी के पास जाऊंगा, अपनी खूब बुराइयां करूंगा कि मैं आशिक मिजाज हूँ, बदतमीज हूँ, छिछोरा हूँ, ऑल दैट. और बोलूँगा तिवारी जी बड़े कमाल के आदमी हैं, और बहुत भर भर के आपकी तारीफ़ करूँगा. ये काम आप करेंगे, आप अपनों के पास जाएंगे, मेरी खूब तारीफ़ करेंगे कि क्या बात है ये वो, और अपने बारे में आप बोलेंगे कि मैं घटिया आदमी हूँ, लीचड़ हूँ, लूज़र हूँ, जो कि आप ऑलरेडी हैं. तो क्या होगा इससे, क्या हमारे बीवियों पर ना इम्पैक्ट पड़ेगा कि हम कम से कम हमारा जो हस्बैंड है वो तो सही रास्ते पर है, इज़ ऑन अ राइट ट्रैक. नहीं इससे इससे तो भाभी जी की नजरों में हम गिर जाएंगे यार. आप दुनिया की नजरों में गिरे हुए हैं यार. क्या क्या यार प्लीज बकवास मत कीजिए, समझे ना. मेरी बात मेरी बात मेरी बात सुनिए. इस वक्त अन्नू की आंखों में गिरना या उठना इज नॉट इम्पोर्टेंट. इस वक्त ये इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी शादी कैसे बचाएं. डोंट अंडरस्टैंड दिस यार, अजीब आदमी है आप. देखिए इस वक्त ये सॉर्ट आउट हो जाएगा ना तो चीजें अपने आप ठीक होने लगेंगी. चलिए ठीक है, फिर आप अंगूरी को संभालिए और हम अनु को भाभी जी को संभालते हैं. भाभी जी घर पर हैं? क्यों आए आप, किस लिए आए? भाभी जी आपका विश्वास लेने आए हैं. विश्वास? एक बार टूट जाता है तो दोबारा नहीं जुड़ता. माफ कीजिएगा भाभी जी, हम अपनी नहीं भभूति जी की बात करने आए हैं. वकील हैं उनके? वकील हैं आप उनके? नहीं भाभी जी, जो सच है बस वही बताने आए हैं. ओह है सच जी? जरा मैं भी तो सुनूं. बताइए बताइए सच क्या है? सच यही है भाभी जी कि आप भभूति जी पे खामखा शक कर रही हैं. दूसरी औरतों पे लाइन मारने की बात तो दूर, उनकी जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं रहती. और माफ कीजिएगा, ये काम तो हम जैसे अमीर ज़ादी कर सकते हैं. मतलब आप ये सब काम करते हैं? हमारी बात छोड़िए भाभी जी, हमने तो घाट घाट का पानी पिया है. और भभूति जी ने तो सिर्फ आप ही के घाट का पानी पिया है. यार ये कहां से आ गई? वाह 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 लड़की भैया वाह, आप तो ना बहुत ही बड़े खिलाड़ी निकले, बहुत बड़े खिलाड़ी. तुम पगली? पगली नहीं, माँ पगली, माँ पगली. माँ पगली ही तो है हम, तभी तो आप इतने सालों से हमको बेवकूफ बना रहे हैं.
पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारे। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है पगली, हम तो ये कह रहे थे कि I hate you। वो hate you होता है पगली। असल पकड़े हैं। I hate you। अरे तेरा सुनो पगली। Very bad तिवारी जी। I also hate you। अरे तेरा गई भैंस पानी में। अंगूरी, अंगूरी सुनो। हम कहाँ सोचे थे लड्डू के भैया के बारे में कहाँ, और वो कहाँ निकले? भाभी जी, मैंने कहा भाभी जी, भाभी जी। देखिए भरभूति जी, हमको आपसे कौनो बात नहीं करना है, जाइए यहाँ से। भाभी जी प्लीज, आपको मुझसे बात नहीं करनी, मत कीजिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको जो लग रहा है कि आपके लड्डू के भैया बाहर अफेयर चल रहा है, वो गलत लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाभी जी लुक एट दिस गाय, इस आदमी की पर्सनैलिटी एक बैल की तरह है, और आपको लगता है कोई लड़की एक बैल को पसंद करेगी? बताइए आप मुझे। और भाभी जी मेरी बात का यकीन कीजिए, आपके बैल का मतलब आपके लड्डू के भैया का अफेयर नहीं चल रहा है। बैल? हमारा मतलब है लड्डू के भैया का ना ही चल रहा है, तो क्या आपका चल रहा है? भाभी जी मेरी बात तो छोड़ दीजिए आप, एक्चुअली मेरा औरतों में खासा क्रेज है भाभी जी। नो, मैं यानी कि आप किसी दोस्त से मिलने नहीं गए थे, तो कहाँ गए थे आप दोनों? हम ना ही कीजिए, पूछ रहे ना कहाँ गए थे, वो बताइए। एक्चुअली आप जन्म में ठीक ना करवाइयो भैया तिवारी। काय भैया तिवारी और विभूति भैया, तुम्हारे यार जो बताओ सारे यारों के तुम्हारे बबराली काए गए हते? बब बब बते कहां आपस में देख रहे हैं, ते बताओ ससुर। आपको कैसे मालूम पड़ा कि हम बबराला गए थे? हम तो अंतर्यामी है ना दादा। हमें कैसे मालूम ससुर, जो खाकी वर्दी काए के लाने पहनी, गुंजा छीलने के लाने। हमने एक लड़का लड़की को ताजू ताजू सारो गैंग पकड़ो है, उनके पास सारो घड़ी बरामद भाई, चैन बरामद भाई, घड़ी निकली भैया तिवारी की, चैन निकली तुम्हारी ससुर। बताओ काय के लाने गए थे बबराले? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दरोगा जी, सो मच, थैंक यू सो मच। ऐसो है भैया विभूति, तुम पहले अपने थैंक यू की बनाओ बत्ती, और बास है ये कान खुजा लियो। तुम्हें पता है लौंडियन के पास में कहाँ मिलो, मोबाइल में ससुर भर भर के तुम दोनों की सेल्फी है थी। What? तुम किसी लड़की के साथ सेल्फी खिंचा रहे थे? मैं अकेला नहीं था, ये भी थे मेरे साथ में, मैंने खुद नहीं खिंचाई, मैंने नहीं खिंचाई मतलब उसने खींची फोर्सफुली, यू नो। आप भी खींचे वो लड़की के साथ सेल्फी? बहुत सेल्फिश है भाभी जी, वो सेल्फी कहना चाह रही हैं आप? हाँ सही पकड़े हैं। आप भी खींचे फोटो? बल्कि इन्होंने तो बड़ा चिपक के खिंचवाई उसके साथ। और सॉरी दैट्स अ ट्रुथ। ओ ओ दादा, एक तो पहले ज्यादा चचे आओ ना, और ज्यादा रायतु ना फैलाओ, ठीक? और गोरी मैम आप भी टेंशन ना लियो, रिलैक्स हो जाओ। असल में काहे जोन सारो हमने गैंग पकड़ो है ना, उनको काम ही है, पहले भी लोगों के साथ सेल्फी खींचते हैं, और फिर उनके पास जो भी सारो माल मत्ता होते है उन्हें लूट लेते हैं, यही तो उनको धंधो है। अब टेंशन ना लियो अब। और ऐसे है महाराज, अबे जब तुम्हें टाइम हो ना, तो हमारे प्रेम से पहले थाने पधारो, और अपने जो तुम्हारे ससुर का है वो घड़ी चैन जो आके चुपचाप ले जाओ, ठीक है? या। और जब सब ठीक है तो जाको ठीक करा लियो दादा, जा करंट दे रही। अब हमें टाइम नहीं है, हम जा रही, आ जाइयो ध्यान से। थैंक यू सो मच अपू सिंह जी। धन्यवाद गोरी मैम, बाय। थैंक यू अपू सिंह जी। बस यही तो सुनने। आओ आओ। इतना सब कुछ हो गया विभू, कुछ भी नहीं बताया तुमने मुझे। कहाँ लड्डू के भैया?
आप भी हमको कुछ ना ही बताए। वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमें डर था कि तुम शक करने लगोगी, इसलिए। या शक तो हम कर रहे थे और शक तो हम अभी भी कर रहे हैं। और सवाल तो वहाँ का वहाँ ही है कि गए कहाँ थे। एक्चुअली हम लोग किसी बाबा के पास गए थे। अब बाबा कोमलनाथ। अब ये कोमलनाथ बाबा कौन है और क्यों गए थे आप उनके पास? इसका एड्रेस हमें प्रेम ने दिया था और प्रेम ने कहा था कि वो बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। गुइया का पहुंचा हुआ बाबा था। मैं तो कहता हूँ साला एक नंबर का फ्रॉडी था। हाँ उस कमबख्त ने मुझसे झूठ बोलकर मेरे 10,000 रुपये गपच लिए और कहा कि तेरी बीवी तुझ पर कभी शक नहीं करेगी, यानी कि तू ये भी कह देगा ना कि तू किसी और औरत के साथ घूमता है तब भी तेरी बीवी तेरी बात का यकीन नहीं करेगी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, इस चक्कर में मैंने बहुत सारी औरतों को घुमाया लेकिन मेरी बीवी ने मेरी सारी करतूतें रिकॉर्ड कर ली। और पिछली रात से मुझे बहुत मारा, बहुत जम के मारा, मेरी जम के दुलाई की। ये देख ये देख ये देखो भाभी जी, देखो मार मार के उसने कोला बेर बना दी। आइडिया हंसी स्माइल यार, कम ऑन यार।